السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today is 30th of July 2020. This is in continuation with our previous lecture, Granny's Fabulous Kitchen, Class 6th. Yesterday we have read about the first two paras of this chapter. Now we are going to discuss the third chapter. As you already know that this Granny's Fabulous Kitchen is a story which has been taken from a book, The Adventures of Rusty. Rusty is a 12-year boy who loved to live with his in his granny's house. Granny is his grandmother, who is a well-known cook. She loves cooking. Yesterday we have read that whenever Granny made vanilla or chocolate, she gave some for Mohan. Mohan is Gardner's son. Both Rusty and Mohan love to eat sweets, gulab jamun, rasgulla, jalebis, which were made from lots of milk and lots of sugar. They also love to eat homemade, Granny's homemade English sweets. Now this is the third para. We would climb onto the branches of the jackfruit tree and fudge off peppermints or sticky toffee and eat. We couldn't eat the jackfruit except when it was cooked as a vegetable or made into a pickle, but the tree itself was wonderful for climbing. ये बोल रहा है कि रस्टी कि हम अक्सर मैं और मोहन हमारे घर के आमने सामने इर्द गिर्द जो बागात थे, जो मुख्तलिफ कस्म के ट्रीज थे, खासकर वहाँ पर जैक फ्रूट ट्री थे, उन्हीं की ब्रांचेस पे हम चढ़ते थे अक्सर. दिन भर हम उन्हीं ब्रांचेस पे खेलते रहते थे, उन्हीं पे चढ़ के खेलते रहते थे. और हमें पसंद था फज ऑफ पेपरमिंट्स, वो स्वीट पेपरमिंट्स की स्वीट्स और स्टिकी टॉफ़ी वो खाना पसंद करते थे. जैक फ्रूट वो बिल्कुल नहीं खाते थे. तभी वो खाते थे जब उनको कुक किया जाता था एज वेजिटेबल और जब उनको पिकल बनाया जाता था अचार. लेकिन जैक फ्रूट ट्री पे चढ़ते थे लेकिन खाने के लिए अब नहीं, क्योंकि ये खाने उन जैक फ्रूट को ऐसे नहीं खाते थे. फिर किस लिए चढ़ते थे? बल्कि इन पे चढ़ने का मज़ा ही कुछ और था, क्योंकि एक तो उन पे चढ़ने में उनको मज़ा आता था, दूसरा ये कि वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स रहते थे, बहुत सारे कस्म के एनिमल्स रहते थे, जिनमें स्क्वायरल्स थे, फ्रूट बैट्स थे, ग्रीन पैरट्स थे. स्क्वायरल्स वेयर फ्रेंडली एंड सून गॉट द हैबिट ऑफ ईटिंग फ्रॉम. जो वहाँ उन जैक फ्रूट्स पे स्क्वायरल्स रहते थे वो अब ऐसे, मतलब इनके साथ उनकी बहुत दोस्ती हुई थी, इतना इनको अब आदत सी हो गई थी, वो उनके मोहन और रस्टी के हाथ पे भी खाना कुछ दाने रखते थे अपने हाथों पे, वो आके इतना उनके साथ घुल मिल हो गए थे कि उनके हाथों से वो खाना खाते थे. दे टू वर फॉन्ड ऑफ ग्रैनीज फज, चॉकलेट फज. इनको भी ग्रैनी के जो चॉकलेट फज थे, चॉकलेट स्वीट्स थे, वो उनको भी खाना पसंद करते थे. बहुत शौक़ था उनको ये चीज़ खाने का. और इतना ही नहीं, एक छोटी सी स्क्वायरल रस्की कहता है कि मेरे जेबों में से भी, उनको भी वो जेबों में जाके देखती थी कि कहीं कुछ छुपा हुआ तो नहीं है जो मैं खाऊं. अब रस्की बोल रहा है कि मोहन एंड आई कुड क्लाइंब almost any tree in the garden.
ये बोल रहा है कि रस की ओर मोहन, मैं और मोहन जो बागात में हमारे घर के इर्द गिर्द, ग्रैनी के घर के इर्द गिर्द जो भी बागात थे उन पे मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगे हुए थे, हम किसी भी दरख्त पे चढ़ सकते थे, चढ़ते थे, और हमारी जो ग्रैनी थी वो फिर हमें ढूंढती थी कहाँ पर है, और जब वो जब उसको हमें बुलाना होता था वो कभी फ्रंट वरेंडा से हमें बुलाया करती थी, कभी पेंट्री, पेंट्री मीन्स ए स्मॉल हाउस वायर फूड इज केप्ट, छोटा सा कमरा या छोटी सी कपबोर्ड जहाँ पर गुजा को रखा जाता है, कहीं वो हमें आवाज़ देती थी वरिंडा से, कहीं वो हमें पेंट्री से आवाज़ देती थी, कहीं कहीं वो बाथरूम से, क्योंकि वहाँ पर जो पेड़ थे वो बहुत घने थे, उसको तब तक हम दिखाई नहीं देते थे जब तक हम वापस आवाज़ देते थे, फिर उसको पता चलता था कि किस साइड में ये बैठे हैं, कौन से साइड में ये पेड़ों पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हर साइड से ग्रैनी का जो घर था उसके हर साइड से दरख्त लगे हुए थे, और ये उसके लिए, नानी के लिए बहुत मुश्किल था कि हम कहाँ पर बैठे हैं, जब तक हम यहाँ से आवाज़ लगाते थे तब तक उसको नहीं, तब तक उसके लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो ये जज करे कि हम किस साइड में बैठे हैं।